दोस्तों अक्सर ही हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है और इसी के लिए मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बहुत सारे पैसे पावर बैंक के ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन पावर बैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। लिथियम आयन बैटरी का वेट बहुत कम होता है और यह अदर बैटरी की तुलना में ज़्यादा करंट को स्टोरेज करती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोड को तैयार किया जाता है, जिन्हें तैयार करने के लिए एक कंटेनर में मैग्नीशियम सोडियम एंड लिथियम के मटेरियल को मिक्स करके एक पतली शीट को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन इलेक्ट्रोड की लेयर को स्टैम्पिंग मशीन द्वारा बैटरी के साइज में काट दिया जाता है। अब इन लेयर को इंसुलेटर और मेटल शीट की मदद से पूरा कवर अप कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड को डालकर इसमें से वैक्यूम मशीन द्वारा संपूर्ण एयर को बाहर निकाल लिया जाता है। अब यह बैटरी पावर बैंक बनाने के लिए एकदम तैयार है। इस पूरे प्रोसेस के बाद सबसे पहले पावर बैंक की नेसेसरी के अकॉर्डिंग बैटरियों के पॉजिटिव व नेगेटिव टर्मिनलों को एक साथ जोड़ा जाता है। टर्मिनलों को जोड़ने के बाद पीसीबी सर्किट बोर्ड की सोल्डरिंग की जाती है, जो इस पावर बैंक का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसी के कारण मोबाइल बैटरी और पावर बैंक वाली बैटरी दोनों में करंट का स्टोरेज होता है। इस पीसीबी प्रोसेसिंग के तुरंत बाद इन पीसीबी को बैटरियों के टर्मिनलों के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब इस पावर बैंक की पीसीबी की डीसी पावर चेकिंग की जाती है, यानी ये करंट को हाई वोल्टेज में तो जनरेट नहीं कर रहा, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस कंप्लीट सर्किट को प्लास्टिक शीट द्वारा ढक दिया जाता है, जो कि बहुत मजबूत कार्बन प्लास्टिक से बनी होती है। यह शीट पावर बैंक के पीसीबी सर्किट को प्रोटेक्ट रखती है। अगली प्रोसेसिंग में इस पावर बैंक की CT100 केबल टेस्टिंग की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि पावर बैंक का सर्किट कहीं से खराब तो नहीं है। इस प्रोसेस के बाद एक असेंबली लाइन में इन पावर बैंक की चार्जिंग की टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद इन पावर बैंक पर लेजर प्रिंटिंग टेक्निक द्वारा कंपनी के नेम की ब्रांडिंग कर दी जाती है और इन्हें पैकेजिंग कर शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं पावर बैंक। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले हेयर ड्राई की बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके हेयर ड्राई की बॉडी के शेप को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन बॉडी को कुछ वर्कर्स द्वारा गन पेंटिंग मशीन द्वारा अच्छी तरीके से पेंट किया जाता है, जिन्हें सुखाने के लिए ड्राई चैनल्स की भट्टियों का यूज किया जाता है। अगली प्रोसेस में मोटर को एक प्लास्टिक बॉडी में फिट किया जाता है, जो कि हीट प्रूफ होती है। और इसी के साथ अगले स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से हीट पैदा करने वाली स्प्रिंग को भी तैयार कर लिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद एक प्रोडक्शन लाइन में एक एल्यूमिनियम रोड पर कॉपर के वायर की वायरिंग की जाती है, जिससे ज्यादा हीट पैदा होती है। और इसी के साथ एक बेहतरीन बात कि कॉपर एक हीट सिंक वायर होता है, जो आसानी से पिघलता नहीं है। अगली प्रोसेस में अब इन सब पार्ट्स को एक साथ असेंबल लाइन में अटैच कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस हेयर ड्रायर की वर्कर्स द्वारा टेम्परेचर मेंटेनर की हेल्प से जांच की जाती है। इस चेकिंग के बाद पुनः एक ऑटो मशीन द्वारा ऑटो चेकिंग प्रोसेस द्वारा इस प्रोडक्ट के सभी पार्ट्स की भी जांच की जाती है।
अभी इस हेयर ड्रायर पर कंपनी के नेम की ब्रांडिंग की जाती है और इसी के साथ क्वालिटी टेस्टिंग अन्य सभी प्रकार की प्रोसेस से गुजरने के बाद इसे सेल करने के लिए पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है हेयर ड्रायर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।